हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सब लोग की दुआ की वजह से ना मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं। दोस्तों आज मैं मिठू को सरप्राइज देने वाला हूं क्योंकि मैं मिठू के लिए गिफ्ट खरीदा। हाँ मिठू, तो चलिए देखते हैं जो गिफ्ट है ना वो इनको पसंद आते हैं या नहीं। तो मैं मिठू को बेड पर उतार दिया, ठीक है। और दोस्तों ये है मिठू के लिए गिफ्ट, तो देखते हैं ये मिठू पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है। मिठू ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे 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 क्या हुआ, जम कर रहे काफी ज्यादा। मिठू 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 आजा 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 आजा, ये लो। अरे ये तो डर रहे, क्या हुआ मिठू? ये तुम्हारे लिए है, आजा 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 मिठू। अरे 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 दोस्तों हमारा मिठू गिफ्ट देख के काफी डर रहे, तो उसको ये देना ठीक नहीं होगा। ये देखिए ये भाग रहे, क्या यार मिठू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ये साउंड निकालते हैं ना, ये शायद इनको बोरिंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसलिए मिठू ने ये बिल्कुल पसंद नहीं किया। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना एक्चुअली जो कैटफिश है इनके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग के अंदर कैटफिश को नहीं दिखाया। ये देखिए दोस्तों हमारा कैटफिश, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इनको फीडिंग करवाने के लिए। मैं यहाँ पर फीड दे रहा हूँ और देखिए ये लोग फीड खाने के लिए आ गए हैं, तो मैं पकड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा कुछ कैटफिश अब बड़े हो चुका है, तो चलिए इनको पकड़ते हैं। ओए होए पकड़ना तो मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा हाथ से पकड़ने के लिए। पानी के अंदर हाथ डाला था ना, इसलिए ये लोग नहीं आ रहे, एक दो आ रहे हैं देखिए। दोस्तों ये लोग ना बहुत ही चालाक है, पकड़ना तो नामुमकिन है। मुझे एक्चुअली नेट लाना होगा, उसके बाद ही पकड़ पाएंगे। भाई तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इनको फीड खाने के लिए देते हैं। दोस्तों मैं गिनी पिग्स और जो हमारा रैबिट है ना इन सब के लिए मूली के पत्ते लाया, ये देखिए। और जो हमारा गिनी पिग्स है काफ़ी शौक से ये खाते हैं, तो चलिए यहाँ पर डालते हैं ये मूली के पत्ते। मैं इनको थोड़ा ही देने वाला हूँ, ये देखिए खा रहे हैं, है ना। तो उसके इसके अंदर जितने भी है उन गिनी पिग्स को भी मैं ये देने वाला हूँ। और देखिए डोर तो ओपन ही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मूली के पत्ते खा लो। ये देखिए दोस्तों खाना शुरू की है। अभी दोस्तों मुझे बजिस को थोड़ा तुलसी के पत्ते देना है एंड उसके बाद हम न्यू पेट लाने के लिए जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा बजिस और ये लोग तुलसी के पत्ते अभी खाएगा, फीड खा के खत्म की है एंड वाटर भी गंदा हो गया है, सब कुछ मुझे चेंज करके देना होगा। दोस्त आप लोग में से बहुत सारे मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नया पेट्स लाइए, हम नया पेट्स का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं फाइनली डिसाइड किया कि दो न्यू रैबिट्स लाऊंगा। मेरे घर से थोड़ा दूर जाना होगा, वहां पर ना दोस्तों एक बंदे कई सारे रैबिट्स पाल रहे हैं, तो वहां से मैं दो रैबिट्स लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों रैबिट्स लाने के लिए जाते हैं। तो फाइनली घर मिल गया, यही वो घर है, शायद यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो चलिए जाते हैं। दोस्तों वो है रैबिट का हाउस, यहाँ पर दिख रहा है ना रैबिट से, यहाँ पर तीन दिख रहा है और वहाँ पर भी तीन है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे रैबिट्स हैं, आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना गाइस टोटल 7 रैबिट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े रैबिट्स भी हैं, दिख रहा है ना आप लोग को। तो यहाँ से हम दो लेंगे, ठीक है। तो कलर कौन सा है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और देखिए कितना क्यूट क्यूट बेबी बनी से यहाँ पर। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, ये देखिए
व्हाइट कलर के काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर मिक्स है। इसको पकड़ता हूँ। अरे रुको रुको, ये देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट कलर माय फेवरेट कलर। अरे रुको रुको, हाँ सूर्य, और व्हाइट कलर के चार है यहाँ पर, ये देखिए व्हाइट कलर के चार रैबिट है ना, ऑलरेडी हमारे घर में व्हाइट कलर के है, सो दूसरा कलर ही चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना दोस्तों, और इन रैबिट्स के लिए जगह काफ़ी कम हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे रैबिट्स एक ही केस के अंदर है, सो शायद इनको दिक्कत हो रही है। कोई हुए क्यूटी, ये पसंद है क्या? ये कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड ये कलर भी अच्छा है, पर इसकी पैर में थोड़ा इन्फेक्शन है मैंने देखा, ठीक है, वो देखिए इन्फेक्शन है। ये देखिए, ये खरगोश पालते हैं और खरगोश को ग्रास वगैरह डाल दिया, देखिए सभी खरगोश खा रहे हैं। जब खरगोश कुछ खाते हैं ना दोस्तों, वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एक्चुअली तो मैं ऑलरेडी ख़रीदा, ठीक है, तो कौन सा कलर का ख़रीदा सब कुछ मैं घर जाके बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर ना काफ़ी धूप है, तो चलिए घर जाते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ का रास्ता है ना दोस्तों काफ़ी ख़राब है, देखा से कच्चा रास्ता है, एंड ये देखिए मैं कहाँ से उतर रहा हूँ, देखिए ऑलरेडी घर आ चुका हूँ और हमारा रैबिट्स भी ठीक ठाक है, ये देखिए दोनों ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्यूट क्यूट खरगोश को कहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फादर ने दोस्तों दो पार्टीशन दिया है, एक्चुअली मैं गिनी पिग्स को ना अलग अलग करके रखूंगा, तो थोड़े समय के लिए खरगोशों को यहाँ पर रखते हैं। कितना क्यूट है ना दोनों खरगोश, इसका जो कलर है काफ़ी अच्छी कलर की है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों मुझे व्हाइट एंड ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ था, पर उसके पैर में इन्फेक्शन देखने को मिला, इसलिए मैं इन दोनों खरगोश को लाया, और इनका जो प्राइस है ना दोस्तों वो है 300 रुपया पेयर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इन दोनों का प्राइस क्या है, सो इसलिए मैं बता दिया कि इनका प्राइस है 300 रुपया।